मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही राजनीति की सरगर्मी बढ़ने लगी है। जहां कोरोना संक्रमण की मौत के मामले में विपक्ष कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रतलाम जिले के आलोट ब्लॉक कांग्रेस ने एसडीओपी को आवेदन देकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामलाल धाकड़ का कहना है कि प्रदेश सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोरोना मौत से हुई संख्या को छुपा रही है, वहीं आवाज उठाने वाले विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मनोज चावला, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हालोट के द्वारा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय मनोज जी चावला के नेतृत्व में एक आवेदन देकर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हालोट को दिया गया, जिसमें कोरोना काल में जिस प्रकार से शासन को व्यवस्था करनी थी उस प्रकार की किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं की गई और प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा, जिसके अंतर्गत एवं कोरोना काल में जो जिस प्रकार से जो मृत्यु हुई उनके आंकड़े छुपाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई, जिसमें आईपीसी की धारा 304 एवं धारा 420 के अंतर्गत दोनों पर मुकदमा दर्ज किया जाए, इस प्रकार की मांग माननीय विधायक मनोज जी चावला एवं हम सब के द्वारा की गई।